हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं लौकी के छिलके की सब्ज़ी। लौकी तो सभी बनाते होंगे, छिलके को फेंक देते हैं, तो आज चलिए हम लौकी के छिलके की सब्ज़ी आप लोगों को बताते हैं कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम लौकी के छिलके को लेंगे, उसे बारीक कट कर लेंगे। अब इसको चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, लहसुन बारीक कटे हुए, और हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी हींग, एक चम्मच बेसन, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई आलू, अब डालेंगे हम लौकी के छिलके कटे हुए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 5 मिनट के लिए, फिर हम ढककर इसे रख देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। 5 मिनट हो चुका है, हम सब्जी को चेक कर लेंगे कि ये पक चुकी है या नहीं। अभी हम 2-3 मिनट के लिए इसे फिर से ढककर रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। सब्जी को हम फिर चेक करेंगे पक चुकी है या नहीं। अब सब्जी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, अब इसको हम 2-3 मिनट इसी तरह भूंज लेंगे। भूंजने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ही डालिए। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी देखिए बन चुकी है, अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब इसे हम एक प्लेट पर निकालेंगे। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। अब आप लोग भी ट्राई करिए, बताइए कैसी बनी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।